नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 150 गांव 150 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। फटाफट अंदाज में आइए कटिहार की पहली खबर से शुरुआत करते हैं। कटिहार के बलरामपुर प्रखंड झलझली गांव में दुकानदार की हत्या की साजिश, पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार। हसनगंज प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ANM की शिकायत पर गठित की गई जांच कमेटी। मनिहारी प्रखंड बौलिया गांव में हाई वोल्टेज बिजली की तार टूटकर सड़क पर जा गिरी। हसनगंज प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत भवन में मुखिया रीना देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के उत्तरायणी गंगा घाट पर माघी पूर्णिमा उत्सव को लेकर प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की टीम ने बैठक की। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के उत्तरायणी गंगा घाट पर लगा है कचरे का ढेर, नमामि गंगे परियोजना पर स्थानीय लोग उठा रहे सवाल। गौनाहा में सामुदायिक शौचालय जर्जर हो चुका है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। सिकटा में SSB के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया। मैनाटांड के वार्ड नंबर 9 में वार्ड सचिव का शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ, अशोक पटेल वार्ड सचिव का चुनाव जीते। मैनाटांड मुख्य मार्ग में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से एक युवक घायल हो गया, घंटों सड़क जाम रहा। सिकटा में SSB के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्राओं को प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। मझौलिया में किसान काफी परेशान है, नीलगाय प्रतिदिन फसलों का नुकसान कर रहे हैं। मुंगेर के खड़गपुर में एक मिनी पिकअप मालवाहक चालक और छोटे मवेशी कारोबारी की हत्या, मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुंगेर के धरारा उपडाकघर को मुंगेर से स्थानांतरण कर लखीसराय जिले में शामिल किए जाने पर सपा प्रखंड अध्यक्ष नीरज यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। मुंगेर में बिहार फायर सर्विस, बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से पहचान लाइफ फाउंडेशन ऑफिस में चलाया गया जागरूकता अभियान। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंचायत की मुखिया कुंदन मंडल ने की। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में RGD MLC प्रत्याशी अजय कुमार सिंह ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। कैमूर भभुआ प्रखंड के विभिन्न पंचायत के मुखिया और रहे उपस्थित प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह के साथ हुई अध्यक्षता में चुनाव। कैमूर चैनपुर में हरसू बरम बाबा के जयंती समारोह में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने किया कहा कि मैं वो दिन भूलना नहीं हूं, आज भी वही जमा खान हूं। कैमूर भभुआ सदर थाने में थानाध्यक्ष रामानंद मंडल के प्रयास से लगी रंगी बिरंगी लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। जिले के विभिन्न प्रखंड के गाँव से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। कैमूर चैनपुर के हरसू ब्रह्म बाबा की जयंती में दीप प्रज्वलित कर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय रेफरल अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस आए दिन खराब रहने से मरीजों की जान जा रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल में एक्साइज विभाग और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान देसी शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाकर शराब को नष्ट किया गया। अनुकंपा आश्रितों के समर्थन में किसान कांग्रेस के महासचिव ने सुपौल समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड की महिला मुखिया अमृता कुमारी ने घरेलू विवाद, शराबबंदी समेत विभिन्न क्षेत्रों में 6 कमेटियों का गठन किया ताकि पंचायत का विकास हो सके। सुपौल जिले के बीरपुर में SSB 45वीं बटालियन के द्वारा महिला और युवतियों के बीच 30 दिवसीय सिलाई कटाई प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। सुपौल जिले के NH 57 पर बांस से लदे ट्रैक्टर से एक सूमो गाड़ी टकरा गई, जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। सुपौल में उत्पाद विभाग कोशी तटबंध के भीतर ड्रोन की मदद से निगरानी कर रही है। राघोपुर थाना पुलिस ने एक चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिमराही बाजार के वार्ड 7 में शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 शराबियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। सुपौल जिलाधिकारी कौशल कुमार ने त्रिवेणीगंज अनुमंडल में आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मसौढ़ी मेन रोड में आए दिन लगने वाले जाम से परेशानी का कारण बनता जा रहा है, निदान नहीं होने से शहर के लोग काफी नाराज। मसौढ़ी के अनुमंडल अस्पताल में बेहतर सुविधा को लेकर कल्याण समिति की बैठक हुई। मसौढ़ी के पुनपुन शिवनगर चौराहे पर NDA के लोगों ने सरदार पटेल के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मसौढ़ी के पोटही के पास बिजली का पोल झुका, किसी हादसे की आशंका से ग्रामीणों के बीच नाराजगी बनती जा रही है। मसौढ़ी के राहमतगंज मोहल्ले के नजदीक बाइक सवार लोगों ने कुछ बच्चों के अपहरण का प्रयास किया। मसौढ़ी के सरवा गांव में BJP कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। मसौढ़ी पुलिस ने अनुमंडल चौराहे पर वाहन जांच अभियान चलाया। धनरुआ के सिमरी गांव के बच्चे और ग्रामीण जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत नहीं होने से काफी नाराज हैं।
मसौढ़ी के तारेगना स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू हुआ। इस संबंध में यात्रियों ने जर्जर ब्रिज की मरम्मत की मांग की। जयनगर थाने के बल्डीहा गांव के पास से अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया, पुलिस जांच में जुटी। मधेपुरा प्रखंड पंचायत समिति की बैठक हुई, विकास को लेकर अधिकारियों ने दिए आवश्यक निर्देश। अनोज कुमार ने हरलाखी थानाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है, क्राइम कंट्रोल समेत शराब तस्करों पर होगी कार्रवाई। बेनीपट्टी में ग्राम रक्षा दल टीम ने आग लगने से रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। मंत्री संजय झा ने निर्माणाधीन मिथिला हाट का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। दिल्ली के दो अधिकारी पहुंचे मधुबनी, संग्रहालय में बाल संरक्षण अधिकारियों के साथ बैठक की। मधुबनी जिला बाल संरक्षण अधिकारियों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अधिकारियों को सम्मानित किया। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बरबट्टा गांव में पुलिस ने अवैध देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ताजपुर के आलू मंडी में गुड़ व्यवसायी से लूट की कोशिश और फायरिंग को लेकर भाकपा माले ने बैठक की। मुसरी घरारी चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए चौराहे को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। बिथान प्रखंड के कराची गांव में डिहबार बाबा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ताजपुर प्रखंड कई पंचायतों के किसानों ने अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसान पंचायत का आयोजन किया। सहरसा के समरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के दो परीक्षा केंद्रों पर 8वें दिन इंटर परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करके सामाजिक वातावरण दूषित करने की कोशिश करने वालों की अब खैर नहीं होगी, इसको लेकर सहरसा में सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात हुई। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ सहरसा का मुरादाबाद गांव, आपसी विवाद में दो गुटों में जमकर मारपीट, वारदात का वीडियो भी तेजी से हो रहा है वायरल। लखीसराय के बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। लखीसराय में उत्पाद पुलिस ने टाटा दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में सर्चिंग कर 26 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया। चानन प्रखंड अंतर्गत कुंदर पंचायत की मुखिया प्रभा देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। लखीसराय पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश रचने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखीसराय में सभी वीडियो को डीएम ने किया वेतन बंद, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को पंचायत समिति का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के गिद्धा गांव में मछली मारने के विवाद में हिंसक झड़प, फायरिंग और पुलिस पर हमले के मामले में पुलिस ने 48 उपद्रवियों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। लखीसराय में उत्पाद विभाग की पुलिस ने किऊल स्टेशन पर टाटा दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन से देसी और विदेशी शराब को किया बरामद, ट्रेन के विभिन्न बोगियों की सघन तलाशी। लखीसराय डीएम और यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत मृतक के आश्रित को 2,00,000 का चेक दिया। लखीसराय में 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, जिले के वीरपुर थाना प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। लखीसराय में किसानों ने रेलवे द्वारा रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण किए गए जमीन की मुआवजे की मांग को लेकर डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा। खगड़िया के भदास पंचायत नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को मनोहर यादव ने सम्मानित किया। बेलद्वार प्रखंड के विभिन्न पंचायत के दर्जनों पंचायत प्रतिनिधियों को परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव ने शॉल देकर सम्मानित किया। खगड़िया के सनहौली दुर्गा मंदिर परिसर में किसानों ने खाद किल्लत को लेकर बैठक की। मुंगेर खगड़िया गंगा पुल के उद्घाटन के बाद खगड़िया से मुंगेर की दूरी केवल 25 किलोमीटर हो गई है। परबत्ता प्रखंड के पीएचसी प्रभारी डॉक्टर पटवर्धन झा को विदाई दी गई। नौतन के शिवराजपुर में पेड़ से लटकता हुआ मिला युवक का शव, हत्या कर शव को अपराधियों ने पेड़ से लटका दिया। योगापट्टी के चौमुखा गांव के ग्रामीणों ने आपसी सहयोग और श्रमदान से बनाई 1 किलोमीटर कच्ची सड़क। नरकटियागंज के रखई गांव में नाबालिग ने की आत्महत्या, प्रेमी हुआ गिरफ्तार। मझौलिया थाने ने 2 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, जेल भेजा। मझौलिया के सत भिड़वा गांव में महायज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा, 500 कन्याओं ने कलश यात्रा में लिया हिस्सा। इसवापुर प्रखंड प्रमुख मितेंद्र प्रसाद यादव ने प्रखंड अंचल सीडीपीओ कार्यालयों समेत सभी विभागों का निरीक्षण किया। छपरा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सड़क किनारे लगे वाहनों का कटा चालान, लाखों रुपए की राजस्व हुई वसूली। छपरा में पॉक्सो एक्ट और जेजेबी एक्ट जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मशरक में महाराणा प्रताप चौक से थाना चौक तक लग रहा है जाम, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर बढ़ा रखी है मुसीबत। मशरक में दिव्यांग प्रमाण पत्र पिछले कई महीनों से नहीं बन रहा है, जिससे दिव्यांग अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं। परसा में जल जागरण और 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मशरक प्रखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई। मशरक अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर का सर्वर फेल होने के कारण गुरुवार को आवेदकों की परेशानी काफी बढ़ गई।
मढ़ौरा डीएसपी ने मशरक थाने के निरीक्षण कर लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन किए जाने का निर्देश दिया। मशरक प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को पंचायत वार्ड सचिव संघ के सैकड़ों वार्ड सचिवों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मशरक थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बाइक सवार ने एक महिला को मारी जोरदार टक्कर, घायल महिला का इलाज जारी। डुमरा प्रखंड के हुसैन गांव में जमीन विवाद में महिला के साथ मारपीट, पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। सोनबरसा प्रखंड के भूतही गांव से एक विक्षिप्त युवक को लोगों ने पुलिस के हवाले किया। बाजपट्टी पुलिस ने 34 पीस नेपाली शराब को जब्त किया है, गश्ती के दौरान पुलिस को मिली शराब। परसौनी प्रखंड में नीलगाय से किसान परेशान, फसलों का हो रहा है नुकसान। बाजपट्टी प्रखंड में पीएचडी कार्यालय पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा, नहीं हो रही कोई कार्रवाई। नगर परिषद के कई वार्ड में बांस बल्ले के सारे, बिजली की सप्लाई विभागीय लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। गया जिले के परिया प्रखंड कपसिया गांव में खलिहान में आग लग गई जिसमें 5 किसानों की फसल जल गई। आयुक्त मयंक बरवड़े और पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में बोधगया के निरीक्षण भवन में बैठक की गई। मानपुर स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी से कोयला चोरी करते हुए 3 कोयला चोरों को गिरफ्तार किया गया। गया समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड में हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। गया जिले के बोधगया प्रखंड में पारंपरिक रूप से ताड़ी उत्पादन वाले समूहों को नीरा उत्पादन हेतु जागरूक किया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने बांके बाजार प्रखंड के रहने वाले कैनाल मैन ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने की मांग की। गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड में ग्राम सभा का किया गया आयोजन, आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति